अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ शॉर्ट टाइम सीक्रेट। फ्रेंड आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आई हूँ। फ्रेंड वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो भी डेली यूज़ की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी स्किन केयर, हेयर केयर, कोई भी बॉडी केयर, किसी भी संबंधित चीज़ों से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो क्या पता फ्रेंड वो वीडियो आपके काम आ जाए। और फ्रेंड देखिए, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी हैं तो भी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक को देखकर मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे लगता है कि मुझे और भी अच्छी अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आनी चाहिए। फ्रेंड्स बगल में पसीना आना एक आम बात है, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इसी टॉपिक पे है। ये जो गर्मी बढ़ रही है तो हमें ये प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। इस बदबू को दूर करने के लिए फ्रेंड्स हम अगर चाहें तो हम घरेलू उपचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सब आप जानते भी होंगे, बॉडी से पसीने की बदबू आना एक सामान्य बात है। शरीर से निकलने वाला पसीना हमें ठंडा रखता है। पसीने में मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड, उसके अंदर बहुत ही गंद बदबू आती है, और जैसे जैसे गर्मी का मौसम आने लगता है ये समस्या कुछ लोगों को शर्मिंदा करने का कारण बन जाती है। फ्रेंड्स भीड़ भाड़ हो या फिर ऑफिस हो, अक्सर पसीने की बदबू की वजह से लोग हमसे दूर जाने लगते हैं, और इसकी वजह से हमें काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। क्या बोल रही हूँ, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। इस बदबू को दूर करने के लिए हम चाहे कितने भी महंगे डिओड्रेंट लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं है। वो घंटे दो घंटे हमारे पे असर करते हैं, उसके बाद जैसे टाइम बीतता है हमारी जो बदबू है वो वापस से आने लगती है, और लोगों को उससे हमारी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन फ्रेंड अगर आप चाहें तो आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको एक बाउल लेना है। बाउल के अंदर आप थोड़ा गुनगुना पानी ले लें। गुनगुना पानी के लेने के बाद आप टमाटर का रस निकाल लें। टमाटर का रस निकालने के बाद उस पानी में दो चम्मच आप टमाटर का रस डालें, और जो जगह आपकी स्मेल से ज़्यादा प्रभावित रहती है, जहाँ ज़्यादा पसीना आता है, आप उस जगह को उससे प्रॉपर धोएं। फिर अगर आप ऐसा हफ्ते में दो से तीन बार करते हैं तो इंशाल्लाह आप इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे, और ये तकलीफ़ आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे अपनी रेमेडी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। आप इसको ज़रूर यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपने मुझे जो इतना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड अगर आपको भी पसीना आता है और वो भी बदबूदार पसीना आता है, तो आप घरेलू उपाय करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो फ्रेंड आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना होगा। फ्रेंड इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए आप एक बाउल लें, और बाउल देखिए फ्रेंड ये बाउल खाली है, इसके अंदर आपको गुनगुना पानी लेना है। फ्रेंड्स मैंने गुनगुना पानी पहले से ही करके रख लिया था, तो इसके अंदर आपको गुनगुना पानी डालना है। ठीक है, पानी डालने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको इसके अंदर मिलाना है टमाटर का जूस। फ्रेंड मैंने ये दो टमाटर ले लिए हैं और इनका अच्छी तरीके से ग्राइंडर में ग्राइंड करके जूस निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड आपको ये दो चम्मच इसके अंदर मिलाना होगा। इसको मिलाने के बाद फ्रेंड आप इसको मिला के रख लें, और इसके बाद जहाँ भी आपको पसीने की ज़्यादा स्मेल आती है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप इस वाटर से उस जगह को प्रॉपर करके अच्छी तरीके से वॉश करें। फ्रेंड ये आपको हफ्ते में दो से तीन बार दोहराना है। अगर आप इस रेमेडी को एक महीने कंटिन्यू यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह आपके बदन से जो बदबू आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम होते होते आपके जो पसीने में स्मेल आ रही है उससे आपको निजात मिल जाएगी। फ्रेंड अगर आप इसको एक से दो बार दोहराते हैं हफ्ते में, तो इंशाल्लाह हफ्ते के जो बाकी के दिन रहेंगे उन दिनों में आपको ये तकलीफ़ ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपने मुझे जो इतना कीमती टाइम दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।